तो गाइस फाइनली हम जो है श्री बाबा केदारनाथ के चौखट तक पहुंच गए हैं। तो गाइस फाइनली 3 घंटे लाइन में लगने के बाद यहां तक पहुंचे हैं। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं आपका भाई आपका दोस्त सागर सज्जल फिर से आ गए न्यू ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग जो है काफी ज्यादा खास होने वाला है, तो गाइस ब्लॉग में बने रहें और देखते रहें। गाइस आज का ब्लॉग जो है बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि आज फाइनली जो है श्री केदारनाथ बाबा के दर्शन होने वाले हैं। तो गाइस मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आप भी ब्लॉग में बने रहें और देखते रहें। तो गाइस ये ऊपर जो आपको एक मंदिर दिख रहा है, ये बाबा भैरवनाथ का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि जैसे आप वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करो, राधा बल्लभ का दर्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप वैष्णो माता के दर्शन करो उसके बाद भैरवनाथ का दर्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, वैसे ही यहाँ पर इनका दर्शन अनिवार्य है। तो गाइस फाइनली हम जो है श्री बाबा केदारनाथ के चौखट तक पहुंच गए हैं और जो है बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब बचपन से सपना था यहाँ आने का और फाइनली आ गए, तो गाइस बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। सोच रहा पहले दर्शन कर ले उसके बाद जो है लाइन में लग जाएंगे। तो गाइज यहाँ लाइन में लगे लगे 3 बार बारिश हो गई और बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है यहाँ पे। मेरी होडी भी भीग चुकी है और खाली पाँव में बिल्कुल पाँव भी ठंडा पड़ गया, बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है। पता नहीं कितने घंटों में दर्शन होगा, बट लाइन में लगे हैं जब तक हो दर्शन। तो गाइस फाइनली 3 घंटे लाइन में लगने के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं और यहाँ पे थोड़ी सी राहत है क्योंकि यहाँ पे जो है बारिश की बूंदे वगैरह नहीं आ रही है। अब यहाँ से शायद 1 घंटा और लगेगा दर्शन के लिए, बट कोई नहीं, बाबा के दर्शन के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और पापा जो है पीछे रह गए, आगरा के कुछ लोग मिले थे उनके साथ पीछे रह गए, अब पता नहीं शायद उनको आज दर्शन नहीं होगा। देखो गाइस सब यहाँ बढ़िया बढ़िया न्यू न्यू स्टाइलिश कपड़े पहन के आए थे, बट बारिश की वजह से सब यहाँ पे कोई मिल गए कि जादू बन के घूम रहे हैं। तो गाइस फाइनली श्री बाबा केदारनाथ के दर्शन हो चुके हैं। दर्शन के बाद जो है बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पापा को दर्शन नहीं मिला क्योंकि पापा अभी भी मंदिर तक पहुंच नहीं पाए। कोई नहीं, कल सुबह दर्शन कर लेंगे, अभी जो आपको मैं भीमशिला के दर्शन करवाता हूँ। गाइस जब केदारनाथ में बाढ़ आई हुई थी तो ये विशालकाय शिला पता नहीं कहाँ से आया और मंदिर के सामने आके रुक गया, जिससे मंदिर तक डायरेक्ट पानी ना लगे और मंदिर ना टूटे। तो गाइस यहाँ पर आकर सब जो है पूजा करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, आप भी आओ तो यहाँ दर्शन जरूर करना। तो गाइस फाइनली बढ़िया दर्शन हो चुका है, अभी जो है चारों तरफ घूम घूम के बढ़िया दर्शन कर लिए। अभी जो है पापा को दर्शन नहीं हुआ तो जो है कल सुबह फिर से लाइन में लगेंगे और दर्शन करेंगे, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और जो भी न्यू है वो सब्सक्राइब जरूर कर देना।